आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल की सब्जी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गोभी, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, एकदम छोटे छोटे पीसेस में आप देख सकते हैं गाजर, शिमला मिर्च, छोटे छोटे पीसेस में आलू, हरी मटर है, ये मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, और यहाँ मेरे पास फ्रेश बीन्स है और पनीर है जिसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लास्ट में डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं गोभी और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं बारीक कटे हुए आलू और इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको भी अलग करके रख लेते हैं। उसी तेल में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग और यहाँ पर जो अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट है इसी में डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि साइड से तेल ना छोड़ने लगे। मसाला भूनते वक्त अगर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है और मसाला नीचे से लगता भी नहीं है। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं पहले पत्ता गोभी, गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बीन्स और हरी मटर। बस इनको अच्छे से हम फ्राई करते हैं ताकि ये मसाले में अच्छी तरीके से एकदम कोट हो जाए। अब जो आलू और गोभी जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था ये हम उसमें ऐड कर देंगे। अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। लेते हैं हमारी सब्जी पकी है कि नहीं। अब इसमें सब्जी एकदम पककर तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए जो पनीर है ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। लुक्स सो डिलीशियस, सो हेल्दी, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कलरफुल। इसको कम से कम 5 मिनट तक, इसको 5 मिनट तक हम एकदम हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद ये इसको सर्व करते हैं। सब्जी अच्छे से एकदम फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ता। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कैसी बनी है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।